भाई मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि अभी डॉली से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। डॉली से कुछ कहोगे तो जाहिर है वो भी आगे से कुछ कहेगी, इस तरह बात बढ़ेगी ना। मैं भी यही सोच रहा था कि अभी दोनों गुस्से में हैं, फिलहाल खामोश रहना बेहतर है। तुम्हारी कोई बात हुई अली से इस बारे में? अरे वो मुझसे क्यों करेंगे, माइन से मसला था उनसे की ये बात। ये लोग सोचते क्यों नहीं है कि इनकी इन छोटी छोटी बातों से हमारी या अली और डॉली की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? कोई क्यों सोचेगा, बात बुरी सी है लेकिन सच है। हमें अपने बारे में खुद ही सोचना होगा, जैसे जारा और अदील भाई ने सोचा, जबकि अदील भाई वालों के घर की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह ये शादी खत्म हो जाए। तुम्हारी बात हुई जारा से? कैसी है वो? क्यों, तुम्हारी बात भी होती है उससे? मैं उसे कॉल नहीं करता। तुम जारा को कॉल नहीं करते, यानी तुम्हारी उससे बातचीत नहीं है। कोई कैसे यकीन करेगा तुम मुझसे उसका हाल पूछ रहे हो? वाओ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं करती। क्यों नहीं करते तुम उससे बात? देखो अदिल भाई ना बहुत अच्छे हैं, तुम बात किया करो, उन्हें कभी बुरा नहीं लगेगा। अदिल का मसला नहीं है, मैं अपनी वजह से नहीं करता उससे बात। तो अब क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी उससे? मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो फिर बात क्यों नहीं करते उससे? बात करूंगा ना, तो मिलने का दिल चाहता है। तुम्हें एक अजीब सी बात बताऊं? जिस दिन उसकी शादी हुई थी ना, मैं गया था उससे मिलने मेकअप रूम में। फील बहुत अजीब सा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सब चीजें रुक जाए, ज़ारा मेरे पास रहे, वो कहीं ना जाए। सच में अजीब सी बात है, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये शादी ना हो, वो यहीं रुक जाए, तो कहीं दूर ना जाए मेरे से। क्यों, तुम्हें तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा लगा मुझे, बहुत मिस करता हूं उसे मैं। क्या हुआ सैनी, तुम खामोश क्यों हो गई? हमें घर चलना चाहिए, अब मैं इंतजार कर रही हूंगी।